बहुत गर्मी लग रही है ना, चले क्या बर्फ में? चैनल ट्रिपल कैरी। अभी इट्स 9:30 एंड स्तुवान नहा चुका है, उसका ब्रेकफास्ट चल रहा है एंड देन वील ऑल्सो हैव ब्रेकफास्ट। और लगेज सब ऑलमोस्ट पैक है, बस थोड़ा बहुत बाकी है एंड देन वी लीव फॉर सोनमार्ग। सोनमार्ग आज थर्ड डे है इन श्रीनगर। आज हम लोग के रूम के विंडो से हम लोग को ये दिखा शंकराचार्य मंदिर। स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम श्रीनगर डेस्टिनेशन सोनमर्ग। आई वॉन्टेड टू शो यू कि इधर का सिक्योरिटी, टर्न लेफ्ट ऑन टू TRC रोड, इधर का सिक्योरिटी कितना टाइट है। बिफोर यू एंटर द होटल प्रेमिसेस दिस इज व्हाट यू गेट। टेक द नेक्स्ट लेफ्ट ऑन टू TRC रोड। दिस इज बिकॉज मेनी ऑफिशियल्स स्टे हियर और इसी वजह से सोनमर्ग तक जाते हैं। ওখান থেকে পহলগাঁও তারপর বাড়ি। কিউ ভালো থাকবেন আপনারা। तो इसी वजह से यहाँ का जो कैंटीन का खाना है दैट्स वेरी होमली बिकॉज वो लोग डेली खाते हैं। तो जैसे कल ब्रेकफास्ट में बना था छोले भटूरे, आज बना था आलू पराठा, उसके पहले बना था रोटी और सोया वड़ी। सो एवरीथिंग इज़ वेरी होमली। और इनसे हमें हमारी मुलाकात हुई थी जिस दिन हम फर्स्ट आए थे, तो वो हमारे गाड़ी का नंबर देख के हमसे पूछे कि तुम बंगाल से हो। सो तब से उनसे थोड़ा हर रोज़ बात होता है, वो यहीं पे पोस्टर है। म्युनिसिपैलिटी के? हाँ हाँ, म्युनिसिपैलिटी ऑर्डर नंबर दिया हुआ है। अच्छा, कितना है? 100 रुपया है सर। 100 रुपया? हाँ। ये कैमरा में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, पर ये जो हिल्स है इसके बीच में एक टाउन है। सुंदर फोटोटास्ट। दिस इज अ ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड वी आर क्रॉसिंग अ स्ट्रीम। आज इतनी धूप निकली और इतनी ज्यादा गर्मी है आज, मतलब स्वेटर तो पहनने का मन ही नहीं कर रहा। सोनमर्ग इज अराउंड 80 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर और लगभग 2 घंटा लग जाता है पहुंचने में, पर हम लोग को काफ़ी देर लग गया क्योंकि बहुत डिफिकल्ट ड्राइव था। डिफिकल्ट टेरेन के वजह से नहीं, बिकॉज ऑफ द नेचुरल ब्यूटी। लग रहा था हर दूसरे सेकंड उतर के फोटो खींच लें, और यही करते करते हम लोग का काफ़ी लेट भी हो गया। रोड्स लीडिंग टू सोनमर्ग आर ब्यूटीफुल। सफ़र का शायद सबसे सीनिक ड्राइव यही था, और हम लोग को पता तो था कि लेट हो रहा है, फिर भी हम लोग रोक नहीं पा रहे थे खुद को। जहाँ भी अच्छा लग रहा था खड़े होके बस देख ही जा रहे थे नज़ारा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। फिर रास्ते पे रुक गए क्योंकि ये दिख गया। और अगले 5 किलोमीटर में सीनरी और वेदर दोनों ही ड्रास्टिकली चेंज हो गया, और ये दिख गया सिन जो कि झीलम का एक ट्रिब्यूटरी है और आपको पूरा एकम्पनी करेगा टिल सोनमर्ग। अच्छा, सो मैं नाव पर हूं जाई। सो इट हैज स्टार्टेड रेनिंग अ लिटिल। ये छोटा सा ब्रिज क्रॉस करने से आप एक आइलैंड में पहुंच जाते हो जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन लगा, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। मैं और अनिंदिता एकदम हार्ड स्टैंड ले लिए कि बस हो गया, बहुत अभी नीचे उतर के फोटो नहीं खींचेंगे, अभी सोनमार्ग ही जाएंगे। बट तभी दिख गया ये वर्ल्ड्स।
और हम लोग रह नहीं पाए, फिर से नीचे उतर के फोटो खींचने। सो वी क्लिक्ड अ फ्यू फोटोज, फिर से चल रहे टुवर्ड्स सोनमर्ग। सिक्किम भी गए थे इसी गाड़ी को लेके, वॉल्स मिला था स्नो वॉल्स, बट दिस वाज काफ़ी हाइट था इसका, ये वाला वॉल, दैट्स व्हाई थॉट कि ठीक है फोटो खींच लेते हैं, आगे मिले ना मिले। भी लग रहा है कश्मीर में आए हैं। The nearer we were getting to Sonmark, scenery जैसे दुगना ब्यूटीफुल होते जा रहा था। मैं ड्राइविंग पे फोकस करूं या हिल्स पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। Guys, welcome to Sonmark. नीचे गिरा हुआ है सारा वायर सब कुछ, क्यों? क्योंकि ये सब इधर से निकाल रहे हैं और इधर फेंक रहे हैं, है ना? इतना बदमाश हो रहा है। बहुत बात कर रहे हैं। देखो स्पीकर लेके बैठा हुआ है। दिस इज होटल कोंगपोश, अगेन पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर टूरिज्म, एंड दिस इज व्हाट वी सी, एकदम स्नो से ढका हुआ है। लेट्स सी कौन सा रूम मिलता है। अनिंदिता वेटिंग, आई विल जस्ट गो हैव अ डिस्कशन, चेक आउट द रूम्स एंड फिर फाइनलाइज करता है। This is the stay for tonight. अभी लगेज बाहर गया, हम लोग भी जाएंगे। It's raining. देखते हैं कब जाएंगे उधर। Dude, sledging, skiing सब चल रहा है। कल मिस किया था, आज बहुत मन है, पर just pray to God कि weather अच्छा रहे and I can at least start skiing, जो मतलब learn करना है वो start कर पाए। हेलो, इधर बर्फ के ऊपर से जाना है। बी केयरफुल। इट्स अ नाइस डे ना, आई एम एक्साइटेड। या इट इज, वी वर होपिंग कि वो हट्स मिल जाए, बट देयर इज सम पाइपलाइन का इशू है ना भैया, पाइपलाइन का इशू, पानी नहीं मिल रहा है उधर। सो होटल कोंगपोश सोनमर्ग, इधर भी करंट नहीं है, पर भैया ने बोला कि वो जनरेटर चला दे ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। कोलकाता, हवा इज रेनी वेरी हेवीली। यस, वी मेड इट। उधर कार पार्क्ड है एंड द होटल इज अमिड स्नो, स्नो ऑल अराउंड। आज रात को ये जो हल्की सी है ना, अच्छा वाइट, वो कल रात को गिरा और आज आज सुबह 5 बजे चार से सर, आज भी ओके ओके, अगर आप होते तो लाइव देखते। बस बस, एंड दिस इज द रूम। अभी लाइट्स नहीं है, लोड शेडिंग चल रहा है, वी हैव अ हीटर। Yeah,
चल दो। This is how it is looking from the restaurant. ये है रेस्टोरेंट। जय माता दी भगवान। तो अभी खाने आए हैं, तो ऑलमोस्ट फ्री ना। तो लंच आ गया अभी। दिस इज आवर लंच फॉर टुडे, पनीर भुर्जी और तंदूरी रोटी। And it has started snowing. गाड़ी उधर पार्क है। इट्स रेनिंग, इट इज स्नोइंग, तो सुवान को बाहर नहीं ला रहे। मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ, सप्तषि गया है थोड़ा एक्सप्लोर करने। एक्चुअली बहुत रेन हो रही है और सुवान ने कल स्नो में बहुत मज़े किए हैं, तो आज उसको ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना है, नहीं तो ठंड लग जाएगी बेचारे को। तो हम लोग इधर ही हैं, नींद आ रही है। हाँ, घूमी घूमी यहाँ से थर्जीवर्स ग्लेशियर का ट्रैक चालू होता है। ऑन अ नॉर्मल डे पोनीज मिलता है इधर से एंड दे टेक यू टिल द ग्लेशियर माउंट, या फिर आप ट्रैक भी कर सकते हो। On asking a few locals, मुझे पता चला स्नो में पोनीज को छुट्टी मिल जाती है एंड स्नो मोबाइल्स आर द ओनली वंस दैट फ्लाई टिल द ग्लेशियर माउंथ। स्नो मोबाइल का रेट्स वर एट्रोशियसली हाई, तो आई डिसाइडेड अगेंस्ट इट। अनिंदित और सुवान भी साथ में नहीं थे, तो मुझे लगा कोई मतलब भी नहीं है जाने का। एंड द मोस्ट एक्साइटिंग फेज ऑफ द डे स्टार्ट्स नाउ। The happiest I can be. Hello, snowfall. Snowfall has just started, और इतने बर्फ देख के मैं बाहर आके कुछ shots लेना चालू कर दिया। और इतनी बर्फ देख कुछ देर में अपना मानसिक संतुलन भी खोने लगा। अभी सप्तषि सुवान को लेके है, तो मैं आई हूँ थोड़ा स्नोफॉल एंजॉय करने। कितना मस्त लग रहा है यार पूरा। सच में हेवन लग रहा है। कितना स्नोफॉल हो रहा है यार। दैट्स अनिंदिता इन द रेड जैकेट। शी इज एन एब्सोल्यूट किड व्हेन इट कम्स टू स्नो एंड आइस। इसको बहुत पसंद है एंड आई एम सो ग्लैड दैट शी इज एक्चुअली एंजॉयिंग, फाइनली एंजॉयिंग। सो यू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी अ पेरेंट। सो आनंदिता नो शी मेक्स इट लुक सो इजी। तो मैंने उसको बोला कि यू आर हेयर टू एंजॉय टू। मैंने सुवान का भी लिया, ही इज एंजॉयिंग। सब तोड़ मोड़ रहा है सामने while Anindita is enjoying the snow, and I'm so happy that everybody including me, main bahut khush hu, Anindita khush hai, and iska to dekh hi lo aap while it is snowing, see snowflakes inside. In another 10 minutes,
स्नोफॉल हैड इंटेंसिफाइड एंड डार्क भी हो रहा था, पर जाने को एकदम नहीं मन कर रहा था। तो करना क्या था, फिर से रुक गए एंड वी आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग अराउंड अस। हम ठहरे एक हॉट एंड ह्यूमिड स्टेट के वासी, इतना स्नोफॉल देख के शार्क है टेस्टेड ब्लड वो वाला फीलिंग तो आना ही था। A little more than 15 minutes later. बस 5 मिनट और करते करते काफी लेट हो गया था। अनिंदिता स्टेप्ड इन एंड टोल्ड मी कि ये तो हम लोग होटल जाके भी देख सकते हैं। एंड दैट्स व्हेन इट स्ट्रक मी कि हम लोग तो होटल यही बुक किए, उधर जाके ही देखते हैं। अभी होटल वापस आ गया, हो रहा अपना गाड़ी एंड इट इज स्नोइंग हेवीली, मस्त लग रहा है। होटल तो पहुंच गए बट वी वर सो सोक्ड इन स्नोफॉल देखते देखते कि हम लोग शायद हाफ एन आवर एक दूसरे से बातें तक नहीं किए। फैंसी पोटैटो फ्लेक्स इन फ्रंट ऑफ स्लो फ्लेक्स। It is still snowing outside. And flakes जैसे और बड़ा हो गया है। Don't know गाड़ी का क्या हाल होगा। Stuan is ready to go to bed. And thankfully power is back on. And this room feels a lot better. Treacherous outside. तो आज का वाइट स्नोई डे इधर ही एंड करते हैं, कल मिलते हैं। कल हम लोग का सुबह कुछ एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं बिकॉज द वेदर इज वेरी रफ, बट प्लान्स आर कि हम लोग एक्टिविटीज करके फिर पहलगाम निकल जाएंगे। सो इफ यू लाइक द ब्लॉग, इफ यू लाइक आवर कंटेंट, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं कल नया ब्लॉग के साथ।